अब हम लोग ये देखेंगे कि वाई ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आर कॉल्ड एस ब्लॉक एनोड्स। सो देख, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट चलता है, इसका वैलेंस चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल का वैलेंस। सो लिथियम का आउटर मोस्ट सबसे आखिरी वाला शेल का कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। सोडियम का क्या होगा आउटर मोस्ट का 3s1। पोटाशियम का हो जाएगा 4s1। रुबिडियम का 5s1, 6s1, 7s1। अब बेरिलियम का आउटर मोस्ट, बेरिलियम का आउटर मोस्ट होगा 2s2, इसका होगा 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रुप वन में और ग्रुप टू में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है। तो मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप वन एंड टू एंटर्स s ऑर्बिटल, इसलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो p ब्लॉक कहेंगे, डी ऑर्बिटल में जाएगा तो डी ब्लॉक में। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर एस ऑर्बिटल में गया, इसलिए इनका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपसे बोले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ईसी ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिससे सबका कॉन्फ़िगरेशन मालूम चल रहा है, तो क्या है, आइदर है 2s1 और 2s2 या 3s1 3s2 4s1 4s2। मतलब क्या, या तो s1 होगा या फिर 2 होगा, एंड 2 3 4 5 6 7, तो मतलब n आ जाएगा, n क्या हो सकता है 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट। तो जिसका भी आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन आइदर ns1 होगा या ns2 होगा, उसको हम लोग s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं।